आपने एक केस पे सुना होगा जो रिसेंटली अभी न्यूज़ वगैरह में रनिंग था, जिसमें एक लेडी जो है वो हॉस्पिटल पे ब्लेम कर रही है, डॉक्टर पे ब्लेम कर रही है कि उसका एंटी स्कैन, डबल मार्कर, ये सब टेस्ट हुआ था, ये टेस्ट पॉजिटिव नहीं आया, मतलब ये टेस्ट नेगेटिव आया था, कि बेबी बिल्कुल हेल्दी है, नॉर्मल है, लेकिन उसके बाद भी जो उसका उसका बेबी बॉय बॉर्न हुआ था और जो बेबी था वो उसको डाउन सिंड्रोम था। लेकिन जो लेडी कह रही है कि डॉक्टर ने रिपोर्ट में जो रिपोर्ट मुझे दी थी उस सब में सब कुछ नेगेटिव था, मतलब बच्चे में कोई दिक्कत नहीं है, कोई अबनॉर्मलिटीज़ नहीं है, बच्चा एकदम हेल्दी था, तो फिर बच्चा डाउन सिंड्रोम के साथ कैसे बॉर्न हो सकता है? पहले तो जो लोग ये सोचते हैं कि एंटी स्कैन में अबनॉर्मलिटीज़ पक्का दिखा देगा, वो ये चीज़ गलत सोच रहे हैं। कि आप किसी भी डॉक्टर से कंफर्म कर सकते हो कि एंटी स्कैन कभी कभी ऐसा भी होता है कि अगर कोई फीटस जिसमें अगर डाउन सिंड्रोम है, ठीक है, अगर या कोई और अबनॉर्मलिटीज़ है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो साइन ऑफ अबनॉर्मलिटीज़ दिखाए, वो मतलब शो करे, या उसका कुछ ऐसा कुछ बॉडी में ऐसे हो सकता है कि कुछ भी एलिवेटेड ना हो, और इसका मतलब जो रिज़ल्ट है वो नेगेटिव आ जाएगा। रिज़ल्ट नेगेटिव आ जाएगा तो डॉक्टर भी यही बोलेगी कि सब कुछ सही है, लेकिन जो हमारी रिपोर्ट होता है उसमें भी अगर आप पढ़ेंगे तो ये लिखा होता है कि रिपोर्ट अगर नेगेटिव भी आ रही है, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब भी उसमें लिखा होता है कि 1 in 5000 या ऐसे बच्चों को उसके बाद भी कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि ये टेस्ट एकदम 100% कंफर्म टेस्ट नहीं होता है। और वो लेडी ये फैक्ट एक्सेप्ट नहीं कर पा रही, अगर उस लेडी को किसी और गायनेकोलॉजिस्ट के पास भी ले जाए और वो उसे समझाए, बल्कि किसी भी गायनेकोलॉजिस्ट के पास ले जाए, ठीक है, बल्कि इंडिया में नहीं बाहर भी, तो वो भी ये कंफर्म करेंगी खाली इस टेस्ट से, ठीक है, कुछ भी कंफर्म नहीं हो सकता है, और फीटस कई बार बिल्कुल नॉर्मल होता है उन केस, मतलब वो अबनॉर्मलिटीज़ के साइन नहीं दिखाता। एंटी स्कैन में कुछ अबनॉर्मल लगता भी है तो इसको एक फाइनल टेस्ट या फाइनल रिपोर्ट नहीं माना जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि हाँ पक्का, हाँ वो हाई रिस्क होता है कि बहुत चांसेस होते हैं, लेकिन इसके बाद फर्दर टेस्ट भी ज़रूरी होते हैं कंफर्म करने के लिए। और अगर उस टेस्ट में भी वो कंफर्म हो जाता है कि हाँ कुछ ऐसी प्रॉब्लम डाउन सिंड्रोम या कुछ ऐसा हो सकता है, तो फिर डॉक्टर ये सलाह देती है कि आप प्रेगनेंसी कंटिन्यू करना चाहते हैं करके पूछती है। लेकिन एंटी स्कैन के बिहाफ में कोई एक्शन नहीं लेते हैं, ना डॉक्टर्स लेते हैं और ना पेरेंट्स को कोई एडवाइस करता है लेने के लिए, जब तक कि फर्दर टेस्ट में कंफर्म ना हो। फिर आप लोगों के मन में ये क्वेश्चन भी होगा, अगर ये टेस्ट कंफर्म नहीं होता तो फिर ये टेस्ट करवाते ही क्यों हैं, पैसे वेस्ट करने के लिए? ये टेस्ट इसलिए करवाया जाता है क्योंकि 90% केसेस में ये टेस्ट डिटेक्ट कर लेता है अगर उनको कोई भी अबनॉर्मलिटीज़ के साइन दिखते हैं। लेकिन साइन दिखने का ये मतलब नहीं होता कि वो सच में अबनॉर्मल है। उसके बाद फर्दर टेस्ट होते हैं, ठीक है, और अगर उस टेस्ट में कंफर्मेशन, अगर उस टेस्ट में आता है कि कुछ अबनॉर्मलिटीज़ है, तो ही जो पेरेंट्स को बताया जाता है कि हाँ पूरे पूरे चांसेस है कि ये सब प्रॉब्लम हो सकती है, अदरवाइज बच्चे बिल्कुल हेल्दी बॉर्न हो जाते हैं। कई बार अल्ट्रासाउंड या एंटी स्कैन में सब कुछ अच्छा आता है, ऐसा नहीं कि डॉक्टर रिपोर्ट गलत बना रही है या ऐसा कुछ, बल्कि देखने वो बेबी बिल्कुल नॉर्मल बेबीज़ की तरह या फीटस की तरह होता है। और जब वो रिजल्ट आता है तो फिर वो डॉक्टर ऑब्वियसली नेगेटिव लिखती है कि उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसके बाद ये बच्चे जो है किसी प्रॉब्लम के साथ बॉर्न हो सकते हैं। वो लेडी, उसको लग रहा है कि डॉक्टर की वजह से उसका जो चाइल्ड है वो डाउन सिंड्रोम के साथ बॉर्न हुआ है, और वो ये फैक्ट एक्सेप्ट नहीं कर पा रही। इसलिए मैंने सोचा कि ये वीडियो इस टाइम पर बहुत ज़रूरी है कि लोगों को पता हो कि ये टेस्ट एकदम 100% कंफर्म टेस्ट नहीं होता, ये आप डॉक्टर से भी पूछ सकते हैं, ठीक है, इसके बाद भी चांसेस होते हैं। और रिपोर्ट्स में भी लिखा, मैं अपनी रिपोर्ट में जब आपको दिखाऊंगी अभी, तो आप मेरी रिपोर्ट में भी देखना कि वैसे तो सब कुछ ठीक है, लेकिन फिर भी सब कुछ ठीक होने के बाद भी चांसेस हमेशा होते हैं। अगर कुछ एंटी स्कैन से रिलेटेड आपको कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है तो वो भी आप शेयर कर सकते हैं, जिससे कि जो बाकी लोग हैं, ठीक है, जो इस टाइप की वीडियो ढूंढ रहे हैं और जिनके मन में डाउट है, वो आप आपस में खुद भी कमेंट सेक्शन में डिस्कस कर सकते हैं, इससे दूसरे लोगों को भी हेल्प मिलेगी। तो मैं नेक्स्ट वीडियो मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय।